नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, अपना नाम बता दें काइंडली। जगह मैं कहता हूँ लेवल आएगी इनका। बारिश शुरू हो चुकी है। ये रहा फायर वॉच टावर और वो रहा मेन टावर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अभी मैं सैटेलाइट टाउन मौजूद हूँ। यहाँ से आगे मैं जाऊँगा खन्ना पुल और खन्ना पुल से आगे लेहरा रोड से होता हुआ डायरेक्ट कोटली सतियाँ जाऊँगा, जो कि मेरी इस टाइम डेस्टिनेशन है। तो अपना सफ़र करते हैं स्टार्ट। ये रहा खन्ना पुल, ये मेरे घर से बिल्कुल करीब पड़ता है। ये चेक करें आप, ये इसके नीचे इस्लामाबाद हाईवे है, ये खन्ना पुल है। तो ये खन्ना पुल बिल्कुल सीधा जाएगा इस साइड से और हम जाएंगे यहाँ से तड़ामड़ी चौक, और तड़ामड़ी चौक से आगे हम लोग लेहतरार रोड पे हो जाएंगे और वहाँ से आगे हमारी डेस्टिनेशन शुरू। कहते हैं पेट्रोल पंप से अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया और यहाँ से आगे अब हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। अब मैं हेलमेट पहन लूँगा क्योंकि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा मिट्टी जा चुकी है और यहाँ पर मिट्टी उड़ती भी बहुत ज़्यादा है। तो अपनी बाइक की टायरों में हवा चेक कर लें और पेट्रोल लाजमी चेक कर लिया करें और ब्रेकें भी लाजमी चेक कर लिया करें आप लोग किसी भी ऐसी जगह पहाड़ी इलाके में जाने से पहले। तो चलते हैं अपना सफ़र स्टार्ट करें। कोटली सतियाँ का बोर्ड है और ये सारे जगह हैं जो कि यहाँ पे हमें मिल सकती हैं देखने के लिए। तो हम यहाँ से जाएंगे फायर वॉच टावर एलियारी। तो चलते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं एक जगह पे अभी हेलमेट उतारा है, मेरी इस हालत को इग्नोर करें अभी क्योंकि मैं अकेला हूँ फ़िलहाल। तो अभी क्या कहते हैं, ये मेरे पीछे दरिया सवा मौजूद है और इस जिस जगह पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ ये सवा का पुल है। मज़े की बात कि यहाँ से यही रास्ता आगे सीधा कश्मीर को भी जाता है और हमारा जो क्या कहते हैं डेस्टिनेशन है वो है फायर वॉच टावर कोटली सतियाँ। तो अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं आगे। कुछ ऐसे हैं कि अभी रास्ते में ना बारिश शुरू हो चुकी है और मैं बस कोई इंतज़ाम भी मौजूद नहीं है, लिहाजा मुझे अब इसी बारिश के अंदर सफ़र स्टार्ट करना पड़ेगा और लगभग काफ़ी अभी आगे जाना है। तो इंशाल्लाह दुआएं पहुंचते हैं आगे। बारिश यहाँ पे ज़्यादा तेज़ हो रही है तो चलते हैं आगे। बारिश वहाँ पे पीछे वाली साइड पे बारिश हो रही थी लेकिन इस टाइम धूप निकल आई है, आपको नज़र आ रही होगी। और मैं भी स्टिल रास्ते में हूँ तो बस पहुँचने वाला हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस सफ़र में मुझे मुश्किलात हुई हैं अकेला जो था। तो मेरे पीछे का जो व्यू है अभी मैं आपको उसका नज़ारा दिखा। छोटी सी आबशार है ये। काफ़ी टाइम से मैं सफ़र कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक कप चाय का हो जाए। और ये जगह मेरे पीछे आप देखें, अकेला था, थक गया था और अब रेस्ट मांग रहा था तो चाय का कप तो लाजमी है। मेरे बिल्कुल सामने होटल है तो वहाँ पे चलता हूँ और चाय वगैरह पीता हूँ। मज़े की जगह बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो चलते हैं और चाय को इंजॉय करते हैं। तो अब यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया है, अभी तो आके मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा रह गया फायर वॉच टावर, इंशाल्लाह कोई 10 से 15 मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह कैसी है। तो ये रही चाय और जगह ये दे।
है चाय और ये वाली जगह मैं कहता हूँ लेवल आई। ऐसी जगहों पे चाय पीने का मज़ा ही अपना है यार, यकीन करो मज़ा आ गया एकदम मुझे। मैं कहता हूँ लेवल आई की। टाइम आ गया है यहाँ से मूव ऑन करने का, चाय का कप मैंने पी लिया और मैं अब हो गया हूँ बिल्कुल तरोताज़ा। सड़क क्रॉस कर रहा था तो अब चलते हैं और अब अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं आगे। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और बारिश का भी सीन मुझको लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है, तो चलते हैं मेरे साथ रहिएगा। तो ये मुझे कुछ जगह प्यारी लगी और मैंने कहा यहाँ पे एक वीडियो होनी चाहिए। ये चेक कर रहे हैं यहाँ मेरे पीछे, आप सिर्फ नज़ारे चेक करें। हल्की हल्की सी यहाँ पे हवा चल रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है। सतियाँ शहर पहुंच चुके हैं, ये कोटली सतियाँ का मेन बाज़ार है। तो अब यहाँ से अगली जो मंजिल है वो है हमारा फायर वॉच टावर, तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और देखते हैं। तो ये एक बोर्ड लगा हुआ है फायर वॉच टावर का, ये चेक करें। यहाँ पे काफ़ी जगह हैं घूमने के लिए, इंशाल्लाह वो फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल हमारी मंजिल है फायर वॉच टावर जो कि इस रास्ते पे बता रहा है, तो यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये देखें ये यहाँ पे बता रहा है फायर वॉच टावर इस साइड पे है और ये रास्ता यहाँ से ऊपर जाता है और साथ में इसके गोल जगह है ये चेवड़ा हिल टॉप। तो अगर टाइम हुआ तो ये भी एक्सप्लोर कर लेंगे, आए तो हुए तो अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो अभी अपनी बाइक मैंने वहाँ पे नीचे लगाई है, यहाँ से थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूज है, तो यहाँ से चलते हैं फायर वॉच टावर की तरफ ऊपर। रास्ता देख लें, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। वो वहाँ से रास्ता ऊपर आता है इस साइड पे, थोड़ा सा ही बताया, ज़्यादा दूर नहीं है। अब आया हूँ तो देख के तो जाऊँगा ही। मुझे था कि इसका कोई प्रॉपर रास्ता बना हुआ होगा लेकिन ऐसा नहीं है, पुराने टाइम का घर इधर बंद पड़ा है और यहाँ से आगे रास्ता किधर है मुझे तो नहीं समझ आ रही यार, कसम से अकेले आने का नुकसान यही है। मेरे ख्याल से तो ये है रास्ता, शायद यही है। अब दो रास्ते जा रहे हैं, एक ये है एक वो है। चलो चलते हैं ऊपर और देखते हैं वो है क्या चीज़। चलते हैं, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 10 से 15 मिनट का ट्रैक है ये, बेशक आप चेक कर लें। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। फाइनली मुझको मेरी मेहनत का फल मिल गया है, मुझे ना वॉच टावर का बोर्ड नज़र आ गया। काफ़ी लंबी हाइक है ये, पूरा सामने बोर्ड।
ये रहा फायर वॉच टावर और वो रहा मेन टावर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं। बस थोड़ा सा रह गया, टोटल 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में मिलके 3 से 4 मिनट तो पहुँच गए और चलते हैं। देखो हम लोगों को इस टाइम ये 3 भाई लोग मिले हैं इधर, ये देखें टिक्का पार्टी कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन करेंगे? नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आप अपना नाम बता दें काइंडली। मेरा नाम कमर है और मैं इस्लामाबाद से। अच्छा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और इन भाई ने मुझे पानी पिलाया अभी अभी। इन भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान है, मैं पिंडी से। अच्छा और आप? समीर लाहौर से। अच्छा समीर भाई लाहौर से हैं। तो वो मेरे पीछे रहा फायर वॉच टावर जिसका मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र सुना था, तो अब वहाँ पे चलते हैं और इसको मोर क्या कहते हैं चेक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसे। तो अल्लाह भला करे पहुँच गया हूँ और यहाँ के नज़ारे देख के आए है, मज़ा आ गया। एक दफ़ा पीछे भाई लोग मुझे मिले थे, बहुत अच्छी पार्टी थी उनकी, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया और मैं आ गया। ये मेरे पीछे के आप लोग नज़ारे देख सकते हैं। बस मैं ये मेरे पीछे आवाज़ टावर, तो चलते हैं और देखते हैं। ये फायर वॉच टावर की एंट्रेंस है, तो मैं अब ऊपर चढ़ने लगा हूँ। काफ़ी पुराना है ये कोई 1928 का बना हुआ है और ख़तरनाक भी है काफ़ी ज़्यादा। वो भाई बैठे हुए हैं, चेक कर रहे हैं आप। मैं ये ऊपर हाइट पे जैसे जैसे जाते जा रहा हूँ मुझे डर लग रहा है नीचे देख के लेकिन नज़ारे यहाँ से कमाल के हैं। बस 2 स्टेप्स ऊपर रह गए हैं, हाय नीचे डर लग रहा है मुझे देख के। तो ये वाला टावर काफी ज्यादा हाइट पे बना हुआ है। ये मेरे पीछे भाई लोग आए हुए हैं, ड्रोन की शॉट्स ले रहे थे, ये चेक करें। डर लग रहा है यार मुझे बिल्कुल ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई, तो काइंडली थोड़ी सी इस वॉच फायर वॉच टावर की डिटेल दें जरा। लोकेशन है ना ये कोठी सतिया तहसील है जी जी, रावलपिंडी के साथ जैसे कुमारी है, ये टेक्सला है और जी जी कहूटा है, तो ये कोकरी सतिया है जी जी। ये भी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया है। ओके तो इसमें एक लोकेशन ये कि आप जब मेन रावलपिंडी से खन्ना पुल से बैठते हैं कोकरी सतिया मतलब घंटी की ड्राइव में आप लोकल पहुंच जाते हैं सीधा बाजार से, ये 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है जी जी। फायर वॉच टावर है। अच्छा अच्छा, ये अंग्रेजों के दौर का है ये, इसलिए इन्होंने एक बड़ी अच्छी लोकेशन पे और उसको यानी इतना अरसा हो गया उस टाइम का खड़ा हुआ है। सही, आंधी तूफान और बारिश यहाँ बड़ी वो होती है, उसके बावजूद माशाल्लाह आप देख रहे हैं जी बेशक बेहतर कंडीशन में। तो यहाँ से आप आए तो बहुत अच्छा 360 डिग्री जो है ना आपको व्यू मिलेगा, क्योंकि ये उन्होंने बनाने का मकसद था कि यहाँ से वो देखते थे कि कोई महकमा जो जंगलात है आग तो नहीं लग रही या कोई ठीक हो गया चोरी तो नहीं हो रही इस तरह उनका, उस टाइम जो इनकी पास यही चीजें होती है यहाँ से ठीक हो गया। ये आप आ सकते हैं, बहुत अच्छी आप देख सकते हैं कि इसकी जो व्यू है इसका यहाँ से ही। अच्छा जी जी, फ्रेश ही अपनी सब्जियां अपना लगाते थे, टाइम से सुबह उठते हैं और टाइम से जो है ना असर के टाइम बस वो निकल, क्योंकि दूर है पहाड़ी इलाका है। अच्छा अच्छा, कुछ रोड्स तो बन गई हैं सही, फिर भी जो है ना वो उसी तरह उनकी पुरानी आदत है और टाइम से दुकानें बंद करते हैं, टाइम से सोते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, उस पे हार्ड वर्किंग है। सर रिव्यू था अबाउट इस फायर वॉच टावर के,
तो बाकी मैं आपको ड्रोन में इसके फुटेजेस दिखाऊंगा। ये भाई मुझे यहाँ पे मिले, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जगह है। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग होता है एंड। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।